रॉयल एनफील्ड का जो सबसे टॉप सेलिंग बाइक है यानी कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, वो अब डुअल चैनल ABS के साथ आता है। और दोस्तों मैं आपको क्लासिक 350 का जो सिग्नल्स एडिशन है और जो गन मेटल ग्रे डुअल ABS वर्जन है उसका रिव्यू दिखा चुका हूँ पहले, आप चाहे तो फिर से वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको जो स्टैंडर्ड कलर्स है उसमें से एक कलर दिखाऊंगा और वो है चेस्नट कलर, और ये डुअल चैनल ABS के साथ जैसे मैंने आपको पहले ही कहा आता है। और दोस्तों आप जानते ही है कि क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड का वो मॉडल है जो सबसे ज़्यादा सेल होता है, कभी कभी टॉप टेन सेलिंग बाइक्स में रहते हैं मंथली सेल्स के हिसाब से, और ब्रांड रॉयल एनफील्ड को इंडिया में इस्टेब्लिश होने में सबसे ज़्यादा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर एंड मैं हूं आपका होस्ट अरिजित। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको तुरंत ही सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का जो डुअल ABS वर्जन अभी लॉन्च हो गया है उसका अराउंड 6,000 to 7,000 प्राइस इंक्रीज हुआ है, और क्या क्या फीचर्स है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो मैं आपको आज बताऊंगा, और वीडियो के एंड में आपको ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। और दोस्तों क्लासिक 350 जो मॉडल है ये हर तरीके से रॉयल एनफील्ड का जो क्लासिक ओल्ड स्कूल लुक है उसको एनहांस कर देता है और लोगों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। और डुअल चैनल ABS के अलावा और कोई भी यहाँ पे मैकेनिकल चेंजेस आपको नॉन ABS मॉडल से नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट में आपको राउंड शेप्ड ओल्ड स्कूल एक हैलोजन हेडलैम्प मिलता है जो DC में ऑपरेटेड है, और 55/60 वॉट में ये हेडलैम्प आता है, बहुत ही ब्राइट है, आप ये देख सकते हैं। और दो यहाँ पे पायलट लैंप्स के साथ ये आता है जिसको रॉयल एनफील्ड टाइगर आइज कहता है। और दोस्तों जो इंडिकेटर्स है वो भी यहाँ पे ऑरेंज इंडिकेटर्स, ओल्ड स्कूल टाइप इंडिकेटर्स, क्लासिक टाइप इंडिकेटर्स यहाँ पे जैसे आप कहते हैं यहाँ पे दिया गया है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, हेडलाइट में कोई भी मॉडिफिकेशंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ब्राइट है और चारों ही तरफ आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिलेगा। और दोस्तों अगर हैंडल बार और स्विच गियर को देखें तो हैंडल बार, स्विच गियर और मीटर कंसोल सभी यहाँ पे पहले जैसा ही है। मीटर कंसोल आपको कंप्लीट एनालॉग सेटअप मिलेगा, यहाँ पे आपको ABS इंडिकेटर और लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि रॉयल एनफील्ड को थोड़ा सा जैसे कि टैकोमीटर, फ्यूल मीटर जैसे फीचर्स अभी दे देनी चाहिए कंपटीशन को देखते हुए। वैसे तो मीटर्स लेजिबल है, क्लासिक स्टाइल्ड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा बहुत कुछ और यहाँ पे फीचर्स दे देनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे जो हैंडल बार है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैंडल बार है, और स्विच गियर अगर आप देखते हैं तो स्विच गियर भी बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का है। दोस्तों यहाँ पे आपको थाई पैडिंग मिल जाएगा, रॉयल एनफील्ड यहाँ पे लिखा हुआ है टैंक के ऊपर, 13.5 लीटर्स का यहाँ पे टैंक दिया गया है। साइड में जो रबर आप माउंट्स देख रहे हैं ये आपका जो थाई है ये रखने में मदद करेगा और लॉन्ग राइड्स में आपको अच्छा कम्फर्ट दे देता है, और ये अच्छा क्वालिटी का भी है। अगर हम सीट पे देखते हैं दोस्तों तो सीट यहाँ पे स्प्लिट टाइप दिया गया है और सीट में बीज ट्रीटमेंट दिया गया है यानी कि बीज कलर्ड सीट से। दोस्तों रॉयल एनफील्ड एक वही ब्रांड है जिसके सीट के नीचे आपको स्प्रिंग्स मिलेगा और एक्स्ट्रा कंफर्ट मिलेगा। कुशनिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सीट के ऊपर दिया गया है और राइडर और पिलियन दोनों ही आराम से इसके ऊपर बैठ सकते हैं। दोस्तों साइड में भी आप देख सकते हैं जो बॉक्स है वहाँ पे भी ये जो कलर्स है और क्लासिक 350 लिखा हुआ मिल जाएगा, और पीछे भी आपको कंप्लीट एक बल्ब सेटअप मिल जाता है। और जो यहाँ पे भी जो इंडिकेटर्स यूज हुआ है वो राउंड शेप्ड ओल्ड स्कूल टाइप ऑरेंज कलर के इंडिकेटर्स है। दोस्तों अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये एक सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल 2-इन-स्पार्क कार्बोरेटेड इंजन है जिसका CC है 346 CC यानी कि 350 CC का, और इसमें सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही अवेलेबल है। पावर यहाँ पे आपको मिलता है 19.8 BHP एट 5,250 RPM और टॉर्क मिलता है 28 Nm एट 4,000 RPM। 5-स्पीड गियरबॉक्स यहाँ पे लगाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आप कार्बोरेटर देख सकते हैं क्योंकि क्लासिक में आपको FI का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, कार्बोरेटर मिलता है, और दो स्पार्क प्लग होने की वजह से ये आपको अच्छा माइलेज दे देगा अपने सेगमेंट में। अब माइलेज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 35 से लेकर 40 किलोमीटर्स के बीच में आपको सिटी और हाईवे मिला के क्लासिक 350 से माइलेज मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm है, जो कि मेरे हिसाब से अगर 10-15 mm ज़्यादा होता तो बेटर होता। दोस्तों यहाँ पे डुअल चैनल ABS दिया गया है यानी कि फ्रंट और रियर व्हील दोनों में ही ABS का आप सेंसर देख सकते हैं, ABS काम करेगा। और फ्रंट में आपको 35 mm फॉक्स दिया गया है 130 mm ट्रैवल के साथ,
और पीछे आपको ट्विन गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर्स दिया गया है विद 5-स्टेप एडजस्टेबिलिटी। दोस्तों दोनों ही तरफ आपको ट्यूब टाइप टायर्स मिलेंगे एंड फ्रंट में आपको 90x90 19 इंचेस की टायर और पीछे आपको 110x80 का 18 इंचेस का टायर मिल जाता है। दोनों ही तरफ ट्यूब टायर्स यूज हुआ है। दोस्तों ब्रेक्स की अगर हम बात करते हैं तो सामने की तरफ आपको 280mm का डिस्क विद डबल पिस्टन कैलिपर एंड रियर में आपको 240mm डिस्क विद सिंगल पिस्टन कैलिपर मिल जाता है। दोस्तों टायर्स यहाँ पे MRF की तरफ से है तो टायर जो ग्रिप है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है और ब्रेकिंग भी पहले जो रियर में ड्रम आता था उससे डिस्क में काफ़ी यहाँ पे ब्रेकिंग इम्प्रूव हो गया है। दोस्तों व्हील बेस की अगर हम बात करते हैं तो 1370mm यहाँ पे व्हील बेस दिया गया है जो कि आपको अच्छा खासा हाई स्पीड स्टेबिलिटी में मदद करता है। माइलेज तो मैंने आपको पहले ही कहा कि शुरू में आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, 31-32 जैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स में जाते तो आप 40 या फिर 41-42 के किलोमीटर्स पर लीटर भी आप इससे निकाल सकते हैं। दोस्तों फुल मेटल बॉडी है तो वेट यहाँ पे 192 kgs आता है, तो वेट मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये हाई स्पीड स्टेबिलिटी और जो रोड ग्रिप है उसमें मदद करता है। दोस्तों ऑन रोड प्राइस कोलकाता की अगर हम बात करते हैं तो 1.78 lakhs यहाँ पे ऑन रोड प्राइस दिया गया है और दोस्तों रॉयल एनफील्ड में टॉप स्पीड अराउंड आपको 120 kilometers के करीब मिलेगा, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो क्लासिक मॉडल है इसका अगर आप 100 के अंदर ही इस बाइक को रखते हैं तो ये बाइक स्मूथ चलेगा, ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं आएगा। वैसे दोस्तों वाइब्रेशंस का प्रॉब्लम तो है क्योंकि मेटल बॉडी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सही तरीके से चलाएं तो कम से कम आपको वाइब्रेशंस महसूस होगी अगर आप स्पीड लिमिट में चलाते हैं तो। दोस्तों सीट हाइट 800mm है जो कि इंडियन राइडर्स के हिसाब से मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। दोस्तों अगर ये बाइक आप ओन करते हैं तो ज़रूर अपने कमेंट्स एक्सपीरियंस हमें कमेंट्स में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग और आगे फिर मिलते किसी नए वीडियो के साथ।